नमस्कार दोस्तों, स्वागत है दिन भर की सुर्खियों संध्या प्रहरी में। पहली सुर्खिया, विश्व में कोरोना। पूरी दुनिया कोरोना संक्रमण के दौर से गुजर रही है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से अब तक 1,14,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 18,50,000 से ज्यादा लोग इससे संक्रमित है और 4,23,000 से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं। कोरोना से डॉक्टर परेशान। दिल्ली के साकेत स्थित मैक्स अस्पताल के 150 स्टाफ को सेल्फ क्वारंटीन में भेजा गया है। दरअसल ये सभी कर्मचारी 2 कोरोना पॉजिटिव मरीजों के संपर्क में आ गए थे। देश में कोरोना। देश में लॉकडाउन के बीच कोरोना संक्रमितों और मृतकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 35 लोगों की मौत हुई है। कोरोना वायरस के पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 9,152 के पार। भारत में लॉकडाउन 2.0। कोरोना से निपटने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी देशव्यापी लॉकडाउन के दूसरे चरण का ऐलान कर सकते हैं, तो वहीं ठप पड़ी अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए भी अहम घोषणाएं हो सकती है। बताते चले कि उद्योग मंत्रालय ने पीएम मोदी को सिफारिश भेजी है कि 30% स्टाफ के साथ कई उद्योगों में काम शुरू किया जा सकता है। राजधानी में कोरोना। लॉकडाउन 2.0 की तैयारियों के बीच देश में लगातार कोरोना वायरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं। सिर्फ दिल्ली में अब तक 1154 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं, तो वहीं दिल्ली सरकार अब तक 30 से ज्यादा इलाकों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर उन्हें सील कर चुकी है। आर्थिक राजधानी में कोरोना। कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में सोमवार को 82 नए मामले सामने आए हैं। इनमें से 59 मामले मुंबई के हैं। इसी के साथ राज्य में से संक्रमित मरीजों की संख्या 2064 पहुंच गई है। वहीं एशिया के सबसे बड़े झुग्गी बस्ती धारावी में कोरोना संक्रमित मरीजों के रोज नए मामले सामने आने से राज्य के मुखिया परेशान। यूपी में कोरोना। देश के जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश में भी कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में सोमवार को कुल संक्रमितों की संख्या 538 हो गई। इनमें सबसे ज्यादा 138 मामले आगरा के हैं। कोरोना के कुचक्र में शेयर बाजार। सोमवार को शेयर बाजार लाल निशान पर खुला। सेंसेक्स 200.49 अंक गिरकर 30,959.19 के स्तर पर खुला, तो वहीं मेटल और फार्मा के अतिरिक्त सभी सेक्टर लाल निशान पर खुले। नागालैंड में कोरोना दस्तक। कोरोना वायरस के कहर से अब पूर्वोत्तर भारत भी नहीं बच पाया। नागालैंड का एक व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया। राज्य में संक्रमण का ये पहला मामला है। बिहार में कोरोना। बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 65 हो गई। आज बेगूसराय के 34 वर्षीय एक शख्स को कोरोना संक्रमित पाया गया। बिहार के स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने ट्वीट करके जानकारी दी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें।